जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको मानसा में कौन कौन सी लाइट आएगी तब गाड़ी स्टार्ट होगी। ये अपन बैठे हैं मानसा गाड़ी में, टाटा कंपनी की गाड़ी है मानसा। अब इसमें कौन कौन सी लाइट आएगी तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, कौन कौन सी नहीं आएगी तो गाड़ी स्टार्ट। अपने चाबी बंद की, ये ताले की लाइट आ रही है, चाबी लगाने पे ब्लिंकिंग करना चाहिए। अगर ये ब्लिंकिंग नहीं करेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये जो अपने लाइट ब्लिंकिंग कर रही है ना, ये ब्लिंकिंग करना चाहिए चाबी लगाने पे। अपन चाबी लगा रखी है अभी तो ये ब्लिंकिंग कर। अब जैसे अपन चाबी चालू करेंगे, यहाँ एक हीटर की लाइट आती है, चाबी बंद करेंगे चालू करेंगे ये हीटर की, ये लाइट भी आना जरूरी है। थोड़ी देर चाबी चालू रहने के बाद स्टार्ट करना चाहिए गाड़ी। अगर ये लाइट ना आए या रेगुलर आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उसके बाद ISD की लाइट आना भी जरूरी है, और ये इधर पानी की लाइट आ रही है ये आना भी जरूरी है। अगर ये दोनों लाइट नहीं आएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपन, और ये लाइट बंद हो जाना चाहिए और ये लाइट भी बंद हो जाना चाहिए। मीटर में इतनी लाइट आएगी, स्पीड लिमिट की लाइट आएगी ये अपने आप बंद हो जाएगी, और यहाँ हैंड ब्रेक की लाइट आएगी ये अपने आप बंद हो जाएगी, ये हैंड ब्रेक और पार्किंग ये अपने आप बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लाइट आएगी हीटर की ये अपने आप बंद हो जाएगी, चले तो गाड़ी बंद कर देना चाहिए। ये लाइट अगर चल जाए तो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, और ये सब लाइट आती है। या डीजल की लाइट होती है यहाँ पे, ये यहाँ पे डीजल की लाइट होती है। इसमें डीजल फिल्टर में अगर पानी चला जाए तो ये लाइट रेगुलर आना चालू हो जाती है। डीजल फिल्टर से पानी निकालो ये लाइट बंद हो जाती है।